हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है दोस्तों, कैशियर जॉब ट्रेनिंग। जी हाँ दोस्तों, कैशियर जॉब की जो पोजीशन होती है, जिसको आप 12th क्लास के बाद एज अ फ्रेशर भी इस नौकरी को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप इंटरव्यू पास कर लेते हैं तो ये नौकरी दोस्तों बहुत अच्छी है कैशियर की। कई लोग बोलते हैं कि अखलाक सर आपने पोजीशन तो बता दी, लेकिन ये बताइए कि डायरेक्ट इस कंपनी को ज्वाइन करने के अगले दिन ये काम करना पड़ेगा हमें, या इसके लिए कोई ट्रेनिंग भी दी जाएगी, क्योंकि हमें तो कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में। हम सिर्फ 12th पास है और फ्रेशर है और नौकरी करना चाहते हैं। तो जो लोग फ्रेशर हैं, 12th पास है, उन लोगों के लिए टीम मेंबर की और कैशियर की जॉब बहुत अच्छी होती है दोस्तों। इसमें सैलरी भी ठीक ठाक मिल जाती है स्टार्टिंग के हिसाब से, और नौकरी भी एक साफ़ सुथरी नौकरी जिसे कहते हैं वह होती है दोस्तों। तो दोस्तों कैशियर आपको पता है वह लोग होते हैं जो पैसों का लेन देन काउंटर पर खड़े होकर करते हैं। कस्टमर आया, कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट लिया, हमने उससे पैसे लिए, बिल जनरेट हुआ और उनको बिल और प्रोडक्ट दे दिया। अगर आप रेस्टोरेंट लाइन में कैशियर की पोजीशन पर खड़े हुए हैं, पोस्ट के सामने पॉइंट ऑफ सेल जिसमें हम ऑर्डर लेते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर भी आपको यही करना है। कस्टमर का वेलकम करना होता है, उनसे ऑर्डर लेना होता है, बिल जनरेट करना होता है, कस्टमर को देना होता है और टाइम बता देना होता है कि कितनी देर में उनको ऑर्डर मिल जाएगा। तो ये कैशियर की दोस्तों पोजीशन होती है जिसको आप 12th क्लास के बाद कर सकते हैं। इसके लिए एक और चीज़ ज़रूरी, वो है बेसिक इंग्लिश। अगर आपका अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन आप अगर इंग्लिश में दे देते हैं इंटरव्यू में, तो आपका सिलेक्शन दोस्तों हो जाता है। और इस इंटरव्यू में क्या सवाल वगैरह पूछे जाते हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। यहाँ मैं ये बता रहा हूँ कि कैशियर की पोजीशन की ट्रेनिंग कैसे दी जाती है। सबसे पहले दोस्तों, जब आपकी हायरिंग होती है, पहले ही दिन आपको जो भी कैशियर की पोजीशन है उसके बारे में जैसे उसकी डेफिनेशन बता दी जाती है कि आपके क्या क्या काम होते हैं, तो पहले दिन जो भी वहाँ पर ट्रेनर होंगे या मैनेजर होंगे वो आपको ट्रेनिंग देंगे कि कैसे पॉइंट ऑफ सेल मशीन में हम ऑर्डर लेते हैं। तो पहले दिन वो आप लोगों को ऑर्डरिंग लेना सिखा देंगे। उसके बाद 3 दिन तक वो आपसे कहेंगे, 3 से 4 दिन तक आप ये प्रैक्टिस करिए कि ऑर्डरिंग कैसे लेते हैं। प्रैक्टिस कब, जब कस्टमर कम होंगे तब आप वहाँ पर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब तक कस्टमर ज़्यादा होंगे तो कोई ऑलरेडी ट्रेन पर्सन वहाँ पर ऑर्डर वगैरह लेगा, जिसको आप देखेंगे, फॉलो करेंगे 3 दिन तक। और 3 दिन के अंदर जैसे जैसे कस्टमर कम होंगे, जैसे लीन टाइम होगा, तो वहाँ आप ऑर्डर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले दिन ट्रेनिंग दी गई, उसके बाद 3 दिन तक आपने ऑब्जर्व किया, प्रैक्टिस की, और 5वें दिन आपका क्या बोलते हैं एग्ज़ाम लिया जाएगा छोटा सा, कि आपने जो पहले दिन हमने जो आपको सिखाया था, उसके बाद जो 3 दिन आपने ट्रेनिंग की, तो उसके बाद जो भी वहाँ मैनेजर होगा या क्रू ट्रेनर होगा वो आपसे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछेगा और ऑब्जर्व करेगा कि आप वो सारे प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं जो आपको ट्रेनिंग के टाइम पे बताए गए थे। अगर आप करेंगे तो आपको उस स्टेशन में पास कर दिया जाएगा। तो यानी कि 5 दिन कम से कम लगेंगे आपको पॉइंट ऑफ सेल में ऑर्डर लेने में और समझने में, तो ये 5 दिन तो यहाँ आप निकाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों कभी कभी, अब कैशियर का मतलब सिर्फ यही नहीं कि वही सारे ऑर्डर लेता है, दूसरे कैशियर भी होते हैं, कभी कभी वो ऑर्डर लेंगे तो पैकर का काम आपको करना पड़ेगा। पैकर का मतलब कस्टमर सारे सामान लेकर आ गया या ऑर्डर सारा रेडी, आपको उसको पैक करके कस्टमर को देना है। तो उसकी भी ट्रेनिंग होती है कि वेज सामान किस में देना है, नॉन वेज सामान किस में देना है, कॉस्मेटिक का किस में देना है और मेडिसिंस का सामान अलग देना है, कैसे देना है, फ्रोजन आइटम कैसे देना है, ये सारी चीज़ें उसकी भी ट्रेनिंग होती है। तो सेम ट्रेनिंग जो मैंने आपको अभी बताई कैशियर की, वैसे ही 5 दिन की दोस्तों पैकर की ट्रेनिंग होती है जो पैकिंग करते हैं। तो पहले दिन आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, 3 दिन आप ऑब्जर्व करोगे, 4th दिन आपको 5वें दिन पूछा जाएगा और उस स्टेशन पे पास कर दिया जाएगा। तो 10 दिन इसमें लग जाएंगे दोस्तों, 10 दिन में आपको एक वीकली ऑफ भी मिलेगा, तो 11-12 दिन इसके पकड़ लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं, अगर आप काउंटर पे खड़े होंगे और अगर रेस्टोरेंट लाइन में, तो वहाँ पर कोई पेप्सी वगैरह की मशीन भी होगी, तो उस क्या बोलते हैं ड्रिंक कैसे बनाई जाती है, कितनी ml ड्रिंक जाती है, कितने उसके अंदर आइस क्यूब जाते हैं, या आइस टी बनानी है तो कितने आइस क्यूब जाते हैं, इसकी भी ट्रेनिंग दोस्तों आपको दी जाएगी। और जो पेप्सी मशीन में नोज़ल वगैरह उसकी क्लीनिंग वगैरह कैसे की जाती है ना, तो ये सारी ट्रेनिंग भी आपको दी जाएगी। तो पहले की तरह इनमें भी 5 दिन दोस्तों ट्रेनिंग में लगेंगे। तो 3 ट्रेनिंग में दोस्तों 15 दिन हो गए, 15 दिन और 2 आपके वीकली ऑफ 17 दिन। तो हम ये कह सकते हैं कि यह 20 दिन की ट्रेनिंग है दोस्तों काउंटर की। 20 ना मान के आप ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए 4 वीक, 4 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है दोस्तों कैशियर की काउंटर पर। और इस
को सबसे जो मेन है वो है आपका कैशियर का इंटरव्यू पास करना। अगर आप इंटरव्यू पास कर लेंगे तो उनको लग जाएगा कि इन्होंने इंग्लिश में, नॉर्मल इंग्लिश में इंटरव्यू पास कर दिया, इनकी इंग्लिश ठीक है। जब कोई ट्रेनर इनको ट्रेनिंग देगा इंग्लिश में तो ये अच्छे से उस ट्रेनिंग को ले लेंगे और ट्रेनिंग क्वालिफाई करने के बाद इनको वह पोजिशन मिल जाएगी। तो 4 हफ्ते तक दोस्तों टोटल यह ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद आप प्रॉपर एक कैशियर बन जाएंगे, फिर आप काम करिए और अपने पैसे कमाइए दोस्तों। और कैशियर की जॉब ऐसी होती है कि 6 महीने से लेकर 9 महीने तक आप अगर यह पोजीशन पर नौकरी करते हैं दोस्तों, तो उसके बाद फिर आपका प्रमोशन हो सकता है, आप ट्रेनर बन सकते हैं, शिफ्ट सुपरवाइज़र बन सकते हैं, जो भी, या एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, उसमें जो भी एक लेवल अप की जॉब होती है। तो यह कैशियर की ट्रेनिंग वाली जॉब दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी नॉलेज आप सभी लोगों को दूँ और इसी तरीके से हमारा देश और सभी लोग तरक्की करें। थैंक यू सो मच।